नमस्कार, YouTube चैनल RK ज्योतिष 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप घर में प्यार, पैसा और किस्मत का कमाल देखना चाहते हैं तो आपको अपने बेडरूम में चमत्कारी तस्वीर लगानी पड़ेगी, और वो चमत्कारी तस्वीर है मोर, नाचता हुआ मोर। यह तस्वीर आपके घर को भाग्यशाली बना देगी। इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि इससे पति पत्नी के रिश्ते बहुत मजबूत बने रहते हैं। आजकल के समय में शादी के थोड़े समय बाद ही पति और पत्नी दोनों में अनबन होने लगती है, रिश्तों में खिंचाव होने लगता है। रिश्ते में दूरी के कई कारण होते हैं, जैसे आपसी तालमेल का न बैठ पाना, पारिवारिक कारण बहुत कुछ होते हैं। ऐसे में फेंग शुई और वास्तु के माध्यम से आप दोनों के बीच में रोमांस को बढ़ा सकते हैं, अनबन को मिटा सकते हैं। नृत्य प्रतीक है प्रसन्नता का, इसलिए शादी या अन्य कोई खुशी का मौका होने पर काल से नृत्य करने की परंपरा, आदिकाल से नृत्य करने की परंपरा चली आ रही है। जब बारिश के मौसम में मोर बहुत प्रसन्न होता है तभी वह पंख फैलाकर नृत्य करता है। यदि आप अपने पैसों की आवक, किस्मत का बदलाव और वैवाहिक रिश्ते को अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपने बेडरूम में नाचते हुए मोर का चित्र लगाएं। ध्यान रहे, इस तस्वीर में मोर अपने पूरे पंख फैलाए हुए होना चाहिए। मोर के पूरे पंख खुले हुए होना चाहिए। मोर की इस मुद्रा के चित्र को वास्तु के अनुसार कमरे में लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तु के कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके बारे में दावा करते हैं कि इसे अपने बेडरूम में लगाने से सिर्फ पति पत्नी के संबंध लंबे समय तक मधुर रहते हैं और दोनों में रोमांस भी बढ़ता है। तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई बात हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आपका बहुत